तो अभी तक आपने देखा कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचेंगे, कहाँ हमें रुकना चाहिए और हम लोग क्या क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करने को मिलेंगी। हमने खूब सारी मस्ती की, उसके बाद यहाँ पर शॉपिंग किया और कुछ खाना पीने का आइटम भी देखा। अब आपको ले चलते हैं इसके आगे। डे टू है आज हम लोग का यहाँ पुरी में। अब हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी टेंपल और वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। तो हम लोग सुबह सुबह नहा धोवा के रूम से रेडी होकर के निकल चुके हैं। हमारे घर से आशीष कितना दूर दिखा रहा है वो? हम लोग ने जहाँ रूम लिया है वहाँ से 1.2 किलोमीटर जो है मंदिर का लोकेशन बता रहा है गूगल मैप। अब जा कर के देखते हैं कितना दूर है। तो हम लोग तो ऐसे पैदल ही चल जा रहे हैं, आपको रास्ते में कई सारे लोग मिल जाएंगे, ऑटो या फिर से रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको छोड़ सकते हैं, 20-30 रुपए लेंगे इसके लिए। पर हम लोग पैदल जाने का ही डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल ही बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या है आसपास में मंदिर की रास्तों। मंदिर जाने से पहले अपना सारा सामान अपना जो है रूम पर ही रखें, कि कम से कम सामान अपने साथ रखें, क्योंकि मंदिर में कोई भी सामान लेके जाना अलाउ नहीं है। सभी चीज़ों को आपको बाहर डिपॉजिट करना होगा, जिसका आपको पैसा भी देना पड़ता है। और अभी तक आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर के उसे देखें। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आ जाएगा, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको कब और कैसे पहुंचना होगा, कहां रुकना आपके लिए सही होगा, बीच पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस चीज़ का कितना प्राइस होगा, खाने पीने के आइटम्स क्या अवेलेबल हैं, ये सभी जानकारियाँ। हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसका अंदर जाने का रास्ता की तरह वो देख रहे हैं, और लेकिन इतना पता है हम लोग पिछली बार आए तो पता था कि आपको फ़ोन, बेल्ट, बैग और ये सभी चीज़ें को जमा करना होगा, क्योंकि ये सब चीज़ देख करके आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पर एक काउंटर या बहुत सारे काउंटर हैं जहाँ पर आप जमा कर सकते हैं और इसके बाद आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं, जमा करेंगे वो सामान और कुछ जगह सामान कुछ लेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। आगे राइट साइड बढ़ने पर आपको जो है एक एंट्री गेट मिलेगा, जहाँ से आप जो है एंट्री कर पाएंगे। साइड साइड में आप देख सकेंगे बैरिकेड लगे हुए हैं, जहाँ से आप अंदर में लाइन लगते हुए अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग ये आगे बढ़ते हैं। मंदिर को आज पूरी तरह से सजाया हुआ था और पुलिस प्रोटेक्शन भी आज ज़्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि आसपास में हमें पता पूछने पर पता चला कि आज जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पर मंदिर में विजिट करने वाली थी, इसलिए इतना ज़्यादा डेकोरेशन और पुलिस प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा था। इससे हमें यह भी फ़ायदा हो गया कि बैगेज काउंटर और शूज़ काउंटर पे हमें पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि अदरवाइज़ आप किसी और दिन आते हैं तो रेंटल चार्ज देना पड़ता था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था कि वो आए थे तो उनको पे करना पड़ता, और हम भी एक बार आए थे तो देना ही पड़ा था उस वक्त भी। पर आज जो है कुछ भी चीज़ पे नहीं करना पड़े, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया और मंदिर का एक अलग ही रूप देखने को मिला। कई सारे लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने को। तो आपको भी हम लोग आगे दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पे लोग रख सकते हैं, बाहर से भी रखने जगह है पर आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ मंदिर को एक तरफ से ही बनाया गया है, इस तरह का एक कैरी बैग आपको मिलेगा। इस कैरी बैग में आप अपना जूता, सामान या फिर कुछ भी रख सकते हैं जो अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। ये सब सामान को ले करके जब उसे भर लेना है उसके बाद उसको जमा कर लेना। पता नहीं उसका चार्जेस क्या है ये तो मुझे अभी पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, तो मैं वीडियो में आके आपको बता दूँगा। प्रसाद भी खा लिया है और साथ में हमने प्रसाद भी लिया है। आशीष ने लिया वो करीब 500 रुपए का था, स्टार्टिंग आपका 250 से रहेगा, ये 500 रुपए का था। पर हम लोग को पता नहीं वो पंडित जी ने कैसे 200 रुपए में ही दे दिया, 250 लिया था ना, 250 में ही लिया। अच्छे पंडित जी मिल गए थे हम लोग को, आराम से हम लोग गए, आराम से जल्दी से पूजा करवाया, हम लोग उतना दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग अच्छे से दर्शन भी कर लिया और पैसा भी कम लगा प्रसाद का, क्योंकि वहाँ पर बहुत इस प्रसाद का काफ़ी ज़्यादा दाम था, 500 रुपया कुछ 551 बता रहे थे, पर हम लोग को तो मात्र 250 में ही मिल गया।
और वहाँ पर ड्राई राइस था जो प्रसाद होता है, वो ड्राई करके भी ले लिया है हम लोग, अपने घर ले जाने के लिए लिया है। अभी वहाँ ले सकते हैं 20-30-50 से स्टार्टिंग रहता है वो, ऐसा वो सुखा करके कोटली में बांध करके आपको देंगे। लाल लाल रंग का रहता, दिखाता है तेरे पास अभी, इस तरह का ड्राई कोटली था इसको, मतलब उसमें चावल का दाना सब है और वो सुखाया हुआ भगवान का मतलब प्रसाद है, महाप्रसाद का। तो उसको हम लोग घर ले जाएंगे घर वालों के लिए, तो आप भी अपने घर ले जा सकते हैं। कभी भी भंडारा होता है या पूजा पाठ होता है तो उसमें आप भी दो दाना डाल करके पूजा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप डालिए, कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा रहता तो मानता है, तो आप भी कर ले जा सकते हैं। हम लोग भी ले जा रहे हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, आप भी आइए ले जाइए, ये दर्शन कीजिए। और हम लोग चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं, और वहां जाने के बाद हम लोग निकलेंगे कोणार्क सन टेंपल के लिए। नेक्स्ट लोकेशन जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि कुछ नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। अगर आप भी यहां आते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना लिट्टी चोखा या फिर से समोसा कचौड़ी जो हम लोग नाश्ता करते हैं, और तो उसी तरह यहाँ पर जो है ये बड़ा होता है, ये बड़ा रहता है, पानी में रहता है, सब्जी डालते हैं, मिक्सचर और नींबू, मतलब कि मिक्सचर उक्चर डाल करके बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसको खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ये, आपको 30 रुपये में मिल जाएगा और काफ़ी पेट भर जाता है, इसको एक खाने से ही पेट भर जाता है। तो हमने भी इसे सोचा, डिसाइड किया कि इसे खा करके आराम से हम लोग जो है निकलेंगे अपने आगे लिए ट्रिप के लिए। तो हम लोग अभी टेम्पो में बैठ चुके हैं कोणार्क मंदिर जाने के लिए। यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं बस स्टैंड में, वहाँ से 65 रुपीस चार्ज रहेगा, वो हम लोग को कोणार्क मंदिर पहुँचा देगा। और ऑटो जो हम लोग ले रहे हैं हमने पूरी जो है गोल्डन ब्रिज के पास से, अपने होटल के पास से, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा शेयरिंग में, 20 रुपीज़ 1% का लेते हैं बस स्टैंड का। तो हम लोग वो पे करके अभी हम बस स्टैंड जा रहे हैं। बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ से मुझे पता किया जहाँ तक हमने 65 रुपीस लेते हैं वो कोणार्क मंदिर जाने का। तो हम लोग बस अब निकल गया है, तो बस स्टैंड पहुँचने के बाद आपको बताते हैं कितना रुपये पैसा वहाँ लगेगा और कितना देर समय लगेगा पहुँचने का। अब पूरा पूरी 12 बजे हम लोग अपने गोल्डन ब्रिज से निकले हैं बस स्टैंड के लिए, और देखते हैं हम लोग कोणार्क मंदिर कब तक और कितनी देर में पहुँचते हैं। हमें जो सिर्फ कोणार्क मंदिर जाना था इसलिए हमने बस से जाने का फैसला किया, जो 60 रुपये में पहुँचा देता। अदरवाइज़ आप जो है पूरे प्लेस को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से बस ले जाएगी आपको और रात 8 बजे तक सर्विस रहता है, जिसमें 250 रुपये आपको लेंगे। ये कोई भी आपको अगल बगल में जो भी जो है टूरिज्म वाले लोग ये आपको टिकट बुक कर देंगे, आप उससे जा सकते हैं। खाने पीने के लिए 100 से 150 रुपये देना पड़ेगा, और टूरिज्म में आपको घूमते वक्त कोई गाइड वाइड का जरूरत पड़ता है तो उसके लिए 20-20 रुपये करके 100-200 रुपये ऐसा लगता है सभी को, वो मिल जाएगा। आप एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, जैसे कि खंडगिरी हो गया, कोणार्क सन टेंपल हो गया, चंद्रभागा बीच, ये सभी प्लेसेस को आप घूम सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोग नींबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि देखते हैं और थोड़ा सा प्यास गला वाला सूख गया था, तो हम लोग बस स्टैंड में वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये खुलेगा। तब तक सोचा हम लोग नींबू पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा आराम मिलेगा। 10 रुपये ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, और पूरा एक नींबू का रस उसमें डालते हैं जल्दी, और क्या क्या डालते हैं, बर्फ़ रहता है, अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, फिलहाल इसी का मजा लेते हैं। तो फाइनली हम लोग जो है बस पर बैठ चुके हैं, जिससे पहले हम लोग जिस बस में बैठे थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा पीछे बैठ गए थे, इसकी वजह से झटका लग गया और आगे बैठे। पर अब दूसरा बस चेंज अचानक से क्या हुआ, तो बस नहीं जा रही है, तो उसके जगह दूसरी बस जा रही है, तो हमने बस चेंज कर लिया। और हमने जो बोला उसने कि हमें पीछे नहीं चाहिए इस बार, थोड़ा आगे सीट देना, पर ड्राइवर ज़्यादा सीरियस हो गए और हम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बैठा दिए हैं। मेरा हम लोग को लगता है हम ड्राइवर से भी आगे बैठे हैं, ड्राइवर सब पीछे बैठे हुए हैं, पीछे गाड़ी चला रहे हैं और हम आगे बैठे हुए हैं। खाली है, पूरा बस खाली है, फिर भी हम लोग आगे बैठे हैं, मज़ा क्यों। बस का जो फेयर है वो करीब 50 रुपीज़ ले रहे हैं यहाँ से कोणार्क मंदिर जाने का, और बोल रहे थे कि 45 मिनट के बाद से बस आपको जो है वहाँ से मिल जाएगी, मतलब रिटर्निंग बस जो है कोणार्क से आपको पूरी तक 45 मिनट मिल जाएगी, तो आप आराम से आ सकते हैं। लास्ट बस जो होता है वो 6:30-6 बजे का है, उसके बाद फिर वहाँ से कोई बस नहीं है।
सफ़र के दौरान रास्ते में आपको जो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि समुंदर और नदी दोनों साथ साथ में चल रही थी। कैमरा में मैं आपको वो सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप जब इस पर ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरफ जो है वो नदी है और उधर साइड जो है समंदर है। वो काफ़ी सुंदर दिखने में लगेगा आपको। पुरी से कोणार्क टेम्पल तक का रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप जो है ड्राइव करते वक्त एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपके राइट साइड में समुंदर और लेफ्ट साइड में जंगल दिखाने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर नज़ारा है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको जब इस पर आप जो ड्राइव करेंगे। बहुत ही सुंदर लगेगा आपको। कोणार्क जाने वाला बस ही आपको जो है चंद्रभागा बीच तक भी ले जाएगा। आप चाहें तो उसी बस से चंद्रभागा बीच में ही उतर सकते हैं और वहां का बीच को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आपको जेट बाइक्स मिलेंगे ड्राइव करने के लिए और कई सारी एक्टिविटीज़ यहां पर होते हैं। तो आप चाहें तो कोणार्क मंदिर भी जा सकते हैं और यहां भी आ सकते हैं। रिटर्निंग में आपको बस जो है कोणार्क से रिटर्निंग पूरी जाती है, उसी बस से आप जो है वापस पूरी भी आ सकेंगे। यहां पर एक स्टॉपेज होता है। कैसा लग रहा है? नहले पानी लग रहा है? नहले पानी लग रहा है? कैसा लगना चाहिए डब ऐसे एटलीस्ट फुल है। 30 रुपया में है, अपने यहाँ से तो सस्ता ही है। 25 बोला? हाँ 25 रुपया में सस्ता ही है। हम लोग यहाँ से तो 60-70 में देता है, उधर यहाँ सस्ता मिल जा रहा है नारियल पानी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खेती होता है ना। अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग पानी नारियल पानी पी ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। इस आदमी की जगह नवंबर का महीना है, नवंबर के 10 तारीख हो रही है, फिर भी अच्छा खासा धूप है, गर्मी लग रहा है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ जो बुखारों में तो ठंडा लगने लगता है इस समय, तो स्वेटर पहनने लगते हैं पर अभी नहीं पी रहे हैं। मतलब नहीं, हम लोग नहीं पहने हैं। जैकेट वेट लेके आए थे हम कि ठंडा रहेगा शायद, पर हमको नहीं लगता यहाँ काम आने वाला है। हमको लगता है दिसंबर तक शायद यहाँ पर ऐसा ही गर्मी रहेगा जो बिना स्वेटर का काम चल जाए। मज़ा आ रहा है, गर्मी अभी लग रहा है तो पानी पी रहा है, कभी नारियल पानी पी रहा है तो कभी नींबू पानी। पानी का बोतल लाना भूल गए हम लोग, आप लोग लेके आइएगा ताकि खरीद खरीद के ना पीना पड़ सके। ऐसे यहाँ पर दुकान है कई सारे जहाँ से आप पानी का बोतल ले सकते हैं। हम लोग को बस इसी जगह पे उतार दिया, बस स्टॉप यहीं है शायद, और बगल में ही बस स्टैंड है जहाँ से हम लोग को रिटर्न आपको मिल जाएगा। बस वापस अपने जो होटल तक जा सकते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए आपको रास्ते भर में कई सारे स्टोर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको पूरी से रिलेटेड आपको कई सारे टॉयज़ डेकोरेशन सामान मिल जाएगा जो आप जो है खरीद सकते हैं। सभी चीज़ जो है कुछ ज़्यादातर चीज़ें जो हैंडमेड होती हैं जो और काफ़ी सस्ते में मिल रहा था। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्राइस बढ़ा के बोलते हैं, आप उनसे जितना ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंदिर है पीछे में और जस्ट इसके इधर में आपको एक टॉयलेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कोणार्क मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना होगा जो कि मुझे पता नहीं था। हम लोग गेट पे गए तो पता चला कि वहाँ पर आपको टिकट लेना होगा जिसके बाद आपकी एंट्री होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने। टिकट काउंटर और जहाँ एंट्री गेट है दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। हम लोग गेट तक चले गए, वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि आपको टिकट लेना होगा। तो अब जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, टिकट लेंगे उसके बाद फिर हमारी एंट्री होगी। टिकट काउंटर एंट्री गेट के पास से कहाँ है जहाँ से आपको एंट्री करेंगे उसके बस सामने है,
और फिर अंदर में ऑफर की जगह टिकट चेक होता है, वहाँ से फिर एक शायद कॉइन है, कॉइन की जैसा टिकट रहता है, उसको आप दीजिएगा तो आप एंट्री करने मिलेगा आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो टिकट लेने के लिए, पता नहीं कॉस्ट क्या है एक पर्सन का, सब बताएंगे आपको वीडियो में। तो देखते हैं, पहले जाकर लेते हैं टिकट, कैसे दे रहा है वो। मंदिर में एंटर करने के लिए आपको जो है टिकट प्राइस जो लगेगा वो 40 रुपये पर हेड होगा। आप जो पेमेंट जो है कैश या फिर UPI से कर सकते हैं, वो कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पर एक कॉइन के रूप में रहता है जिसको आपको दिखा कर एंट्री मिलेगी। कोणार्क टेम्पल की फ़ायदा ये है कि आप जब अगर चलने फिरने में असमर्थ हैं तो व्हील चेयर से भी इस जगह को आप घूम सकते हैं। आपको मंदिर के बाहर कई सारे लोग जो है मिलेंगे व्हील चेयर लेकर के, जो रेंट पर आपको व्हील चेयर दे देंगे, जिससे आप जो आराम से अंदर घूम सकते हैं। 100 से 200 रुपये वो चार्ज लेते हैं इसके लिए। कोणार्क टेम्पल आप सुबह में आए या शाम को, आपको दोनों समय अलग अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर रात को लाइट शोज भी होते हैं, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे समय पर आए कि दोनों चीज़ को आप देख सके, कि सुबह का भी लाइटिंग भी आप मंदिर को देख सके और शाम को इसका जो लाइट शो हो वो भी आप इंजॉय कर सके। चुके हैं और एंट्री करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा। और ये पूरा जो मंदिर है वो पत्थर से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नक्काशी की हुआ है। हम लोग तो हाथ से पेंटिंग बनाने में हाथ खराब हो जाता है, उस समय के लोगों ने पत्थर पे इस तरह की मूर्ति बनाया है और मंदिर डिज़ाइन बनाया है। मतलब सोच के ही थोड़ा सा अजीब लगता है कि कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा और कितना ज़्यादा समय लगा होगा बनाने में। आप यहाँ आते हैं तो गाइड ले लीजिए, ताकि क्योंकि गाइड लोग यहाँ पे हर डिटेल्स को जानते हैं, वो आपको बताते रहेंगे कि कौन सा जो होता है। जैसे कि अभी एक गाइड ने बता रहा था कि इस मूर्ति का ये मतलब है कि सूर्य भगवान यहाँ इसको इतना समय तय करने के बाद वो थक गए थे तो घोड़े पे बैठ गए थे, ऐसा वैसा मतलब हर चीज़ बताते हैं लोग, कौन सा मूर्ति का क्या रीज़न है, क्यों बनाया गया है या उसका क्या मतलब बनता है, हर एक चीज़ बताया है उन्होंने। तो आप एक गाइड रखिएगा तो आपको जानने और घूमने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए मेरे पीछे एक और मूर्ति है, पत्थर का बनाया हुआ है, हमें तो काफ़ी सुंदर लगा देखने, डरावना भी है। और यहाँ ब्यूटीफुल गार्डन है, खूबसूरत सा, पूरा अच्छा सा वेल मेंटेन है। आपके लिए यही रहेगा एक डिसीजन कि आप ज़रूर एक गाइड रखें, या ज़्यादा चार्ज नहीं लेते गाइड वाले, लेकिन 100-200 रुपये में आपको अच्छे से टूर करा देंगे, हर चीज़ हर स्टोरी आपको बताएंगे,
कि क्या रीज़न है, कौन सा मंदिर कितने साल से है, ये सभी चीज़ें हमने तो गाइड लिया नहीं क्योंकि हम लोग लड़के लोग तो बस ऐसे ही घूम घाम के निकल रहे हैं। ठीक उसी मंदिर के पीछे ही जस्ट है छाया देवी मंदिर, ये है हम बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है छाया देवी मंदिर, इसमें तो उल्टा दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। टूट चुका है शायद, तो पूरा घेर के रखा हुआ है, बहुत पहले का मंदिर होगा ना ये सब, इसीलिए ऐसा किनारे किनारे बगीचा बना हुआ है, सब तरफ आप लोग बच्चे लोग खेल सकते हैं, फैमिली के लिए अच्छा जगह है। यहाँ पर आप जैसे कि अपना लगेज लेके आए हैं, जैसे बैग वैग हो जिसमें कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है वो भी आप लेकर के आ सकते हैं, फ़ोन लेके आ सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेकअप नहीं है यहाँ पर, आप आराम से चेक लेकर के आ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, 4 से 5 घंटे में आराम से आप घूम सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे तरीके से घूम सकते हैं गाइड लेकर के 3 से 4 घंटा आराम से। कोणार्क टेम्पल हम लोग पूरा घूम लिए हैं और बाहर निकल चुके हैं, अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने बस का कि कोई बस आएगा जो पूरी तक जाएगा। ऐसे ड्राइवर बताया था कि 45-45 मिनट में बस आते रहता है और लास्ट बस आपका 6 बजे के आसपास रहता है, तो अभी तो 4:30 ही बज रहा है, तो अब देखते हैं कि कब कोई बस आता है, तो फिर हम लोग निकलेंगे, उधर वेट कर रहे बस का, अभी तक तो कोई बस आया नहीं है, मतलब जहाँ पर आपको बस उतारेगा बस वहीं पर बस आएगा बोला था, टेम्पू तो ढेर सारा लगा हुआ है पर अभी कोई बस नहीं आया, देख रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और भी आपको ऐसे प्लेसेस पे घुमा सकूं, ट्रैवलिंग वीडियोस के टिप्स दे सकूं, ताकि आपको कहीं भी घूमने में दिक्कत ना हो। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।